अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोक्रियोट के चैप्टर के साथ, तीसरे टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको बैक्टीरिया और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पर मैंने अक्सर डायग्राम जो रिप्रेजेंटेशन है वो बनाए हैं। ये नक्शा अगर आप सीख लें, यकीनन बहुत ही बेहतरीन नक्शा है। सबसे पहले मैं बैक्टीरिया का डिफिनेशन करूंगा। बैक्टीरिया सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है जिसके सेलवाल म्यूरिन से बना है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। याद रहे कि डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया को सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट वेन लीवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवर किया था। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट के फादर जिसको लुईस पाश्चर कहा जाता है, उसने 19वीं सेंचुरी में माइक्रोब की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था कि हाँ वाकई माइक्रोब मौजूद है, यानी बैक्टीरिया। और इसके बाद सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने रॉटशिप बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। इंशाल्लाह शिप ऑफ बैक्टीरिया पर मैं आपको अलग, एक स्पेरिकल होते हैं, एक दंडनुमा होते हैं और एक स्प्रिंग नुमा होते हैं। जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं, जो रॉड शेप होते हैं उसको हम बेसिलाई कहा जाता है, और जो स्प्रिंग नुमा है उसको हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। बहरहाल रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया। तो ये थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन में ले जाने जा रहा हूं। जी, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन सबसे पहले, ये आप क्लासेज अगर आपको नजर आ रहे हैं, प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लेमाइडस, स्पायरोचेट्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हर एक के साथ मैंने पेर एग्जांपल लिखे हैं। ये ब्लू पेर ब्लू मार्कर पर मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखे हैं। तो मतलब ये है कि बैक्टीरिया के कुल कितने ग्रुप है, 5, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो प्रोटियोबैक्टीरिया का है, जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। प्रोटियोबैक्टीरिया इस ग्रुप में ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है, एरोबिक भी है, एन एरोबिक भी है। प्रोटियोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव का एक ग्रुप है। डियर स्टूडेंट, ग्राम नेगेटिव उस बैक्टीरिया को कहा जाता है कि जो कैप्सुलेटेड हो, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जो कि वायलेट डाई के साथ स्टेन ना हो, यानी कलराइजेशन को वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सिलवाल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो प्रोटियोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का वो ग्रुप है जहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। ये ऑटोट्रॉप भी होंगे, ऑटोट्रॉप का मतलब है खुद परवर्दा, यानी खुराक को तैयार करने वाली। ये हेटरोट्रॉप भी होंगे, यानी दीगर परवर्दा, यानी खुराक को ये खुद तैयार नहीं कर सकते। ये एरोबिक बैक्टीरिया भी होंगे इस ग्रुप के अंदर, यानी वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करते हैं, जिसको हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहा जाते हैं, ये प्रोटियोबैक्टीरिया में मौजूद होंगे। तो जी, प्रोटियोबैक्टीरिया के 5 सब किस्में हैं। एक है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, दूसरा है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, तीसरा है ग्राम प्रोटियोबैक्टीरिया, गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया,
चौथा है डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया, पांचवा है एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया। अल्प प्रोटियोबैक्टीरिया का मिसाल है राइजोपस। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और इसके साथ साथ सम्बायांट बैक्टीरिया भी है। फोटोसिंथेटिक उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने खुराक को तैयार करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में तो वाटर की जगह ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटियोबैक्टीरिया है, अल्फा बैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल है राइजोपस। दूसरा हमारे साथ है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉपिक है, पोटोट्रॉपिक है और ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, यानी ऑक्सीडेशन करते हैं। बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो पोटोट्रॉपिक भी है, यानी पोटोसिंथेसिस भी करते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी है और ऑक्सीडाइजिंग भी करते हैं। तो ये बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोमेनास। ऑक्सीडेशन का मतलब है मिसाल के तौर पर नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट से ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, यानी नाइट्रेट से नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है ना। तो जी इसके बाद है गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया। गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीडेशन तो करते हैं लेकिन वाटर के बजाय ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, यानी पोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल बैक्टीरिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक और इन एरोबिक दोनों किस्म के बैक्टीरिया डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया में मौजूद है। और ये भी याद रखें कि ये ऐसी बैक्टीरिया है जिसमें सिलवाल नहीं होंगे, माइकोकोकस मशहूर एमसीक्यूज है एमडीकेट का, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी को प्रोड्यूस करके अपने प्रोटेक्शन कर लेते हैं, सही है। और इसके बाद है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया, यानी ये वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक भी है और साथ साथ पेथोजेनिक भी है, पोटोट्रॉपिक यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी करते हैं और डिजीज काजिंग बैक्टीरिया भी है। और ये प्रोटियोबैक्टीरिया का क्या हो गया, क्लास हो गया। इसके बाद है दूसरा मेन बैक्टीरिया क्लेमाइडस। क्लेमाइडस ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं होगा, जिसका सिलवाल कॉम्प्लेक्स सिंपल होगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बहुत सारे डिफरेंस है, इस पर मैं अलग आपके लिए वीडियो करूंगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग की यूरिनो जेनिटल ट्रैक और आईज में डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, साथ साथ पेथोजेनिक भी है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल है क्लेमाइडी ट्रेकोमेटस, ठीक है ना। और तीसरा है स्पायरोचेट्स। ये स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे स्पायरोचेट्स हैं जो कि फ्री लिविंग है और कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासिटिक है, यानी दूसरे के बॉडी में रहते हैं। ये भी डिजीज कास करती है, एक मशहूर डिजीज जिसको कहते हैं साइपेलस डिजीज, ठीक है ना, जो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से साइपेलस डिजीज, क्लियर जी, साइपेलस डिजीज। ये वो डिजीज है जो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से वाक्य होती है। इस पर इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये और इसका एग्जांपल है ट्रिपनोमा पेलेडियम। ग्राम पा यहां तक जो बैक्टीरिया की किस्में, ये तीन आपने, ये सारे ग्राम नेगेटिव थे, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिसका सिलवाल भी सिंपल होगा और जो स्टेन भी करेगा और जिसमें कैप्सूल भी नहीं होंगे, ठीक है ना, और ये नान पैथोजेनिक भी होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है ना, फ्री लिविंग, और कुछ इसमें पैरासिटिक भी है, हेटरोट्रॉपिक मूड इसका मूड क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। इसको मजीद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मजीद दो सब ग्रुप में तकसीम किया गया है। एक एक्टिनोमाइसाइट है, एक्टिनोमाइसाइट, और एक स्ट्रिप्टोमाइसाइट है। इनको ग्रुपों को बैक्टीरिया के बिना पर नाम दिए गए हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो किस्म के हैं, एक एक्टिनोमाइसाइट है और एक स्ट्रेप्टोमाइसाइट है। याद रखिए कि एक्टिनोमाइसाइट रॉटशिप बैक्टीरिया है, रॉटशिप, इस शिप को रॉटशिप कहते हैं। ये सेप्रोपेटिक बैक्टीरिया है, सेप्रोपेटिक यानी डेड बॉडी से ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी से खुराक हासिल करने वाले। ये पैथोजेनिक है ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में ये टीबी को कास करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टाइफाइड टीबी को ये कास करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है स्ट्रिप्टोमाइसाइट्स, ये ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जिससे अक्सर एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसाइट्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसाइट, क्लियर। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, लास्ट वन, ये मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक स्पीशी पर मुश्तमिल होंगे। यानी साइनोबैक्टीरिया में आपको कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं मिलेगा जो हेटरोट्रॉप हो, ये इन इस ग्रुप में सारे आपको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मिलेंगे, क्लियर। और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के बारे में तो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से वीडियो इसके बाद करूंगा, लेकिन ये वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके बहुत सारे इक्विटिक एनिमल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और ये वो पहली बैक्टीरिया थी रोए जमीन पर जिसने ऑक्सीजन की प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वाटर को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को रिलीज किया था, जिसकी वजह से जमीन से ऊपर ओजोन लेयर बना था, ठीक है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, नास्टाक है। इंशाल्लाह इस पर मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं, फिर डिस्कवरी कैसी हुई, फिर अक्रेंस इसका क्या था, वो तो आपको पता है कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, वाटर, साइल, फूड, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विद इन, आउटसाइड, सब हर जगह मौजूद है, कॉस्मोलेटन है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कहा, क्लासिफिकेशन में पांच ग्रुप आपने देख लिए कि प्रोटियो बैक्टीरिया, फिर प्रोटियो में अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, हर एक के साथ एग्जाम्पल और हर एक के साथ मैंने आपको कुछ कुछ थोड़ी बहुत शार्ट शार्ट प्रॉपर्टीज की डिस्कस की। फिर इसके बाद क्लेमाइडस, फिर इसके बाद स्पायरोचाइट्स, फिर इसके बाद ग्राम पॉजिटिव, और फिर इसके बाद साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए कि पहले तीन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, दूसरे जो फोर्थ नंबर पे है वो ग्राम पॉजिटिव के हैं, और फिर ग्राम पॉजिटिव में एक्टिनोमाइसाइट और स्ट्रेप्टोमाइसाइट की अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, और इसके बाद फिर लास्ट वन साइनोबैक्टीरिया है, जिसकी वजह से साइंसदान जो कहते हैं कि जिसकी वजह से पूरी लाइफ इवोल्यूशन हुई है वो साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको साइनोबैक्टीरिया पर मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, एग्जाम के लिए बेस्ट मटेरियल आपके सामने इस वक्त मौजूद है, इनको स्क्रीनशॉट इनसे ले लें। और चैनल में अगर आप नए हो, डियर, इस चैनल से मैं दो काम करता हूँ इस चैनल में, एक आपको एजुकेशन अपडेट दूंगा और दूसरा बायोलॉजी के
लेक्चर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, नाइन्थ और टेंथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे मुस्तफीद हो जाए। कहीं पर गलती हो, लाजमी तौर पर हो सकता है कि कोई टीचर भी इसको देखे, तो लाजमी तौर पर पॉइंट आउट करे, हम उसको वेलकम कहेंगे। ठीक है, कोई इंसान कामिल नहीं होता, गलतियाँ हो सकते हैं, आप करेंगे, आप बताएंगे, हम इंशाल्लाह अगर गलती हो तो हम एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा